और अब अयोध्या का रुख करते हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या में चल रही भव्य तैयारियां, इसके लिए लता मंगेशकर चौक पर उमड़े लोग तैयारियां देखने पहुंच रहे हैं। दरअसल जिस तरह से अयोध्या को भव्य अद्भुत कल्पनीय तरीके से सजाया जा रहा है, उसके बाद अब लता मंगेशकर चौक जो कि कहना चाहिए कि मुख्य चौराहा है अयोध्या का, जहां पर दरअसल ये मंदिर के बहुत नजदीक, हनुमान गढ़ी के बहुत नजदीक, और यहीं पर जो अयोध्या की हलचल इस वक्त है विशेष तौर पर देखने को मिल रही है। खासतौर पर जो स्वागत द्वार है जहां से एंट्री लेंगे तमाम जो मेहमान पहुंचेंगे या जो भी अयोध्या अभी आ रहे हैं, वो एंट्री लेते हुए लता मंगेशकर चौक तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर वो हनुमानगढ़ी का रुख करते हैं। तो ये लता मंगेशकर चौक जो है मुख्य चौराहा कह सकते हैं, अभी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इस पर खासी भीड़ देखने को मिल रही है। और अब रुख कर लेते हैं सीधे अयोध्या का। बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। लाठी जी, आपसे समझना चाहेंगे, भाई देखिए काफी व्यस्ततम चौराहा लता मंगेशकर चौराहा जो भी आता है जाहिर तौर पर यहीं रहता है और यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है, तब जबकि अयोध्या को सजाया जा रहा है तो लता मंगेशकर चौक तो अद्भुत दिख रहा है। ये जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ क्या इन भव्य तैयारियों का जायजा लेने पहुंची है? देखो सुनील, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, ये सूर्य स्तंभ से जो जगमग ये नगरी है, भगवान राम की नगरी, ये लता चौक जो शुरू की कोकिला जो भीड़ा, ये भीड़ा चौक के नाम से यहाँ हमेशा, जिसे लता मंगेशकर चौक कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको लता जी को अपनी बहन कह रहे थे, तो ये पूरा वहाँ का नजारा है लता चौक का। और मैं अपने कैमरे से दिखाऊंगा यहाँ पे जो एक समय का जो वातावरण है या वो है, तो आप देख रही हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, लोग आ रहे हैं, तमाम तरीके से लोगों में जितनी खुशियां हैं और खुशियों से सराबोर है अयोध्या। और बात की जाए सुनल, तो ये अयोध्या वासियों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए गर्व का समय है और पूरे अयोध्या में इस समय पूरी देश नहीं पूरी दुनिया राममय का माहौल है और पूरी तरीके से अयोध्या रंगों की उत्साह में एकदम घुली नजर आ रही है। देखिए हमारे साथ हनुमानगढ़ी के संत हैं, उनसे भी बात करेंगे। महाराज जी, अयोध्या कैसी? जी जय सिया राम, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी राम भक्तों को सादर जय सिया राम, वंदे मातरम। अयोध्या कलयुग में त्रेता युग साथ झलक रहा है। आप देखेंगे चाहे वो राम की पैड़ी हो, चाहे वो लता मंगेशकर चौक हो, चाहे इंटरनेशनल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो, आप साफ तौर से जो कलयुग में त्रेता युग झलक रहा है, ये त्रेता की फीलिंग कलयुग में आ रही है। ये हम लोगों के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। जी, सातों पुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्यापुरी एक भव्य और दिव्य स्वरूप धारण कर चुकी है। महाराज जी, पहले की अयोध्या की बात कीजिए और अब की अयोध्या में क्या फर्क? देखिए, पहले बंदर मरता था तो तीन दिन तक बदबू करता था, लेकिन अब चाहे वो चौड़ीकरण हो, चाहे वो साफ सफाई के मामले में हो, चाहे नगर निगम से लेकर के हर प्रकार का विकास कायाकल्प चारों तरफ से अयोध्या का हुआ, तो पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में जमीन और आसमान का अंतर है। मौजूदा जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, अयोध्या के विकास में चारों तरफ से दृष्टि बना करके रखी है और कोई अयोध्या को इतने सीरियस मुद्दे के तरीके से लिया जा रहा है। वर्तमान में जो अयोध्या के प्रति कार्य हो, चाहे वो लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक बस हो, चाहे वो ई रिक्शा से लेकर के कोई भी एक, तो सुन रहे थे कि जिस तरह से हनुमानगढ़ी के संत हैं और बता रहे थे कि कितनी तैयारियां हैं, क्या है, हमारे साथ जो भजन गायक लोग हैं और अयोध्या में कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, जो खुशियों से सरभोर अयोध्या है, क्या कहेंगे? जी, पहले तो आप सभी को प्रणाम है, हम सारे भाइयों का, सादर जय सिया राम। और इस अद्भुत नगरी के लिए मैं दो लाइन आप सभी को सुनाता हूँ, हम दोनों जुड़वा भाई, आइए। ओ नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे,
धन्य कौशला धन्य कह कई धन्य सुमित्रा मैया धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ जी के आगे खेले चारो भैया इनकी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे प्रभु की वाणी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। तो अंजलि आप सुन रहे थे कि किस तरीके से अयोध्या में उत्साह है। हाँ। लोगों में जो माहौल है जो उमंग है वो बढ़ चढ़ करके पूरी उमंग बिल्कुल 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 लाठी जी देख पा रहे हैं कि उत्साह है और हर तरफ से जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। पूरे अयोध्या में कण कण में राम है वैसे भी, और इस वक्त तो पूरे देश में सिर्फ राम ही राम का नाम गूंज रहा है।